कि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपना आखिरी दांव चला है। माली विधायक महबूब आलम ने जीतनराम मांझी से मुलाकात की, कम विभाग मिलने से नाराज है जीतनराम मांझी, और फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में यह सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम बैठकें चली तो इस बीच लालू यादव ने भी अपना आखिरी दांव चला है। माले के विधायक महबूब आलम ने जीतनराम मांझी से मुलाकात की और जीतनराम मांझी कम विभाग मिलने से नाराज चल रहे हैं, और यही वजह कि यह कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी हलचल इस समय खूब उठखेलियां ले रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद है। उत्कर्ष जी, के माले से विधायक हैं जिन्होंने जीतनराम मांझी से मुलाकात की, और मांझी से मुलाकात ही नहीं, ये मुलाकात अहम इसलिए हो जा रही क्योंकि वो नाराज भी बताए जा रहे हैं बीजेपी से। अब बिल्कुल लगभग देखिए, हमने पहले भी कहा था जबकि एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी थी तो जीतनराम मांझी ने दो मंत्रियों का दावा किया था, साफ कहा था कि एक मंत्रालय हमें नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति जो विभाग है, पहले जीतनराम मांझी भी रख चुके हैं, उसके बाद उनके बेटे संतोष सुमन को भी दिया गया था, और इस गठबंधन में जब सरकार बनी तो वही मंत्रालय उन्हें दिया गया। तो दो नाराजगी जो थी वो जीतनराम मांझी की नज़र आ रही थी। मांझी का साफ कहना था कि हमें दो मंत्री जो हैं वो देने चाहिए और साथ ही साथ जो विभाग है वो बदल के देना चाहिए, लेकिन ये नाराजगी के ये बातें भी सामने आई थी कि एनडीए गठबंधन जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन लालू यादव ने ये आखिरी चाल चली है क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना महज दो दिन बाकी, और ऐसे में लालू यादव ने अपने ही जो गठबंधन के नेता हैं उन्हें भेजा है। महबूब आलम ने आज खुद जीतनराम मांझी से मुलाकात की है, करीब सुबह 10:30 बजे का वो वक्त था जब मांझी से मिलने के लिए महबूब आलम गए थे, और निकलने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस घटनाक्रम के बीच अगर मांझी से विधायक मिलने जाते हैं, महागठबंधन के विधायक ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि कोई संदेश लेकर जो है वो पहुंचे हैं, और लालू यादव किसी भी हाल में ये जो कह सकते हैं विश्वास प्रस्ताव और बहुमत की बात है ये दोनों में विफल करना चाहते हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि एक तरफ सदन में अध्यक्ष के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया है और दूसरी तरफ वहीं विधायकों का फ्लोर टेस्ट है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य जो है वो 12 फरवरी को होने, और लिहाजा जब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होगा उसके बाद फ्लोर टेस्ट सबसे पहला कार्य जो होगा वो अध्यक्ष को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया, उस पर वोटिंग होगी, उसके बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 12 फरवरी को होनी है, और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं उनको एकजुट करने में जो गठबंधन है लगा हुआ है, और ऐसे में लालू यादव उन चार विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से बिहार की सियासत चल रही है, ऐसे में जीतनराम मांझी एक अहम कड़ी साबित हो रहे हैं सभी पार्टियों के लिए, और यही वजह कि अब देखना होगा कि जीतनराम मांझी का रुख क्या कुछ उसमें रहने वाला है। हालांकि वो खासा नाराज जरूर बताए जा रहे हैं अभी जहां पर वो हैं, यानी कि बात करें बीजेपी में, और फिलहाल अब देखना होगा कि स्थिति आगे क्या कुछ स्पष्ट बनती है, और इसके लिए 12 फरवरी का जरूर इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।